और खबरों में बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडीटी सभागार में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाषा विभाग द्वारा आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्थापना के बाद पहली दफा भाषा विभाग द्वारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता हमारी ही पहचान है। इस अवसर पर कई कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कल हमारा राज्य ठीक 22 साल के पूरा हो जाएगा और 22 सालों में बहुत सारी चीजों में हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे कुछ हमने सीखा है, कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सरकार की दृष्टि से भी काफी सारे कामों को आगे बढ़ाया है। जहां हम औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक हो जाएगी, जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी, हमारी GSDP बढ़ेगी। उसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में